नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। अशोकनगर, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सीसी रोड का साड़ौरा के वार्ड क्रमांक 4 में भूमि पूजन पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। लगभग 10,50,000 की लागत से बनने वाले इस रोड का भूमि पूजन जजपाल सिंह जज्जी के हाथों संपन्न हुआ। इस भूमि पूजन के साथ ही ठेकेदार नागेंद्र सिंह रघुवंशी ने कार्य प्रारंभ कर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि यह हमारे मोहल्लेवासियों के घर परिवार का कार्य है, जो कि गुणवत्तापूर्ण किया जाना चाहिए। बहुत लंबे इंतजार के बाद वार्डवासियों को रोड की सौगात मिली है। इससे सभी में प्रसन्नता का वातावरण है, क्योंकि यह मार्ग बहुत ही लंबे समय से खस्ताहाल स्थिति में था, जिससे आने जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता था। बड़ी प्रतीक्षा के बाद लंबे अंतराल से यह समस्या रोड के निर्माण होने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता सीताराम काकाजी, पूर्व सरपंच शिवराज सिंह, पूर्व सरपंच विजय सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रघुवंशी, भाजपा मंडल महामंत्री मुकेश शर्मा चरौदा, कुमारी रेखा नामदेव, पत्रकार सुधीर सिंह, हरिओम शर्मा, हरवीर सिंह रघुवंशी, दिनेश मोहनी, भास्कर सिंह, नागेंद्र सिंह सहित नगर परिषद के कर्मचारी गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भरत जैन ने किया। आभार राकेश जैन ने व्यक्त किया। हरि ओम माधवाय नमः। अस्तु पृथ्व्याम ऋषिकेशाय नमः। उसे काम करना और बाहर जाना है, तो हमको पूरा जीवन वहीं जीना होता है। तो हमको जो हम काम कर रहे हैं, सड़क है, तो जो बना रहे हैं उनको भी इसका उपयोग करना है। उनके परिजन, उनके बच्चे, परिवार के लोग भी यहाँ से निकलेंगे, गुजरेंगे। तो कई रोडों की अपन हालत देखते हैं, हुई और 4 महीने बाद 2 महीने बाद गिट्टी दिख रही है, बच्चे जा रहे हैं पैर में उछल रही है। तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यही निवेदन है मेरा आपसे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब इतना अपनापन मेरे प्रति व्यक्त कर रहे हैं, और मुझे आपने यहाँ बुला के सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.